और आज शहडोल दौरा है पीएम मोदी का। शहडोल आएंगे पीएम मोदी और आम सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन की भी शुरुआत करेंगे। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। आयुष्मान हितग्राहियों को कार्ड वितरण करेंगे। जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ पीएम करेंगे भोजन। और 27 जून को पीएम का दौरा स्थगित हुआ था मौसम की बेरुखी के चलते, लेकिन आज एक हफ्ते के भीतर पीएम मोदी का ये एमपी का दूसरा दौरा है। शहडोल में आ रहे हैं और यहाँ पर पंडाल देखिए, ये डोम पूरी तरीके से वाटर प्रूफ है, क्योंकि लास्ट जो विजिट था पीएम मोदी का वो बारिश के चलते ही स्थगित हुआ था। तो आज का दौरा इसलिए अहम है क्योंकि आदिवासियों को यहाँ पर साधने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है, खासतौर पर पकरिया गांव। ये वो गांव है जहाँ पर महिलाएं लीडरशिप करती हैं, महिलाओं की अगुवाई में इस गांव का विकास हो रहा है। और यहाँ पे पीएम मोदी जो आम के बगीचे के बीच एकदम देसी अंदाज में भोजन करेंगे मिलेट्स, क्योंकि देखिए जो मिलेट्स होते हैं मोटा अनाज, वो स्पेशली आदिवासियों का वो फूड माना जाता है। और कोदो की भात, कुटकी की खीर इस व्यंजन में शामिल है। और जबलपुर से उड़ान भरकर शहडोल पहुंचेंगे, यहाँ पे आम सभा को भी संबोधित करेंगे। 3:30 बजे लालपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। 4:45 पर पकरिया ग्राम के लिए रवाना होंगे और पकरिया में जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ भोजन करेंगे, महिलाओं के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि 84 सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी है जिसपे आदिवासी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो पिछले जबलपुर के लिए रवाना हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, ये अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया है। जबलपुर से सीधा उड़ान भरेंगे पीएम मोदी शहडोल के लिए। और इस वक्त आपको बता दें कि जबलपुर यहाँ पे रिसीव किया जाएगा पीएम मोदी को और सीएम जबलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम का बयान भी सामने आया है। आज का दिन एमपी के साथ साथ देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण। पीएम मोदी गौरव यात्रा का शहडोल में करेंगे समापन। आज का दिन मध्य प्रदेश के साथ ही देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी शहडोल पधार रहे हैं, मध्य प्रदेश की धरती पर 9 करोड़ मध्य प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत, अभिनंदन। रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हमने प्रदेश में यात्राएं निकाली थी और उन यात्राओं का समापन पहले 27 जून को शहडोल में था, लेकिन भारी बारिश के कारण जनता को कोई दिक्कत ना हो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 27 का जो प्रवास था वो बदल के आज 1 जुलाई निर्धारित किया। वीरांगना रानी दुर्गावती जी के चरणों में प्रधानमंत्री जी श्रद्धा के सुमन भी अर्पित करेंगे, लेकिन इसके साथ 2 महत्वपूर्ण अभियान, 1 3.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड आज पूरे देश में वितरित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड आज हितग्राहियों को अलग अलग 25,000 स्थानों पर दिए जाएंगे। शहडोल के अलावा 25,000 स्थानों पर कार्यक्रम है जहां हितग्राही भाई बहन रहेंगे। प्रधानमंत्री जी शहडोल से आयुष्मान कार्डों का प्रतीकात्मक वितरण करेंगे और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में 25,000 स्थानों पर यह वितरण होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम सिकल सेल एनीमिया, जो एक बहुत जटिल और कष्टपूर्ण बीमारी है और अधिकतर हमारे आदिवासी भाई और बहन इसके शिकार होते हैं, इसलिए इस बीमारी से निपटने के लिए, इसके निदान के लिए सिकल सेल एनीमिया मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए लॉन्च करेंगे। एक तरफ जहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक का इलाज 1 साल में 1 परिवार का निःशुल्क हो सकेगा, वहीं सिकल सेल एनीमिया मिशन जिन भाई बहनों को सिकल सेल एनीमिया है उनके इलाज और आगे ना हो उनके बचाव के उपाय भी बताएगा। आज वो हमारे
जनजाति भाई बहनों से और उनके साथ ही जो लखपति बहने हैं, फुटबॉल के जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे खिलाड़ी हैं, आदिवासी समाज के मुखिया हैं और पेशा के जो हितग्राही है, उनसे भी पकरिया गांव में संवाद करेंगे। तो आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, प्रदेश के लिए तो है ही, देश के लिए भी। प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत।